हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार, स्वागत करता हूँ आपका माय स्टडीज के डिजाइन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बातें करेंगे फीचर्स में लॉफ्ट बोस एंड बेस का यूज कैसे करते हैं। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले टॉप प्लेन को सिलेक्ट करके उसके एक नॉर्मल सी स्केच बना लेते हैं। सर्कल हम बना लेते हैं टॉप प्लेन पे और उसको एग्जिट स्केच करते हैं। एग्जिट स्केच करने के बाद से टॉप प्लेन के ही ऊपर एक प्लेन जनरेट कर लेते हैं रेफरेंस ज्योमेट्री के हेल्प से। उसकी डिस्टेंस हम डाल देते हैं 50, ठीक है। 50 डिस्टेंस पे एक प्लेन हमने जनरेट कर ली। ये प्लेन पे अब हम स्केच एक बना लेते हैं नॉर्मल सा। इस प्लेन पे भी स्केच हम बना लेंगे, ये हमने स्केच, ठीक है। और फिर से इस स्केच से हम एग्जिट स्केच हो जाएंगे। एग्जिट स्केच होने के बाद से फिर से इस प्लेन के ऊपर एक और प्लेन हम जनरेट कर लेते हैं जिसकी डिस्टेंस हम डाल देते हैं 55, ठीक है। और ओके करते हैं। ओके करने के बाद से इसी प्लेन पे और एक हम स्केच बना लेते हैं, सर्कल ही बना लेते हैं नॉर्मल से, ताकि हम हमको अच्छी तरीके से समझ। ये करने के बाद से आप ये जो प्लेन हमने जनरेट की है उसको हम हाइड कर देते हैं। हाइड करने के बाद से अब हम आते हैं फीचर्स में। फीचर्स में आने के बाद से यहाँ पे देखिए आपको लॉफ्ट बोस एंड बेस है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखिए प्रोफाइल्स मिल रही है। प्रोफाइल्स में जो भी आपने बनाई हुई है स्केच उसको आप सिलेक्ट करनी है। तीनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद से ये हमारी लॉफ्ट हो गई, नॉर्मल लॉफ्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे जो आपको ग्रीन सर्कल दिख रही है उससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो इसकी प्रोफाइल। ये इसको थोड़ी सी वो इधर उधर करोगे आप तो इसकी प्रोफाइल को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पे जो स्टार्ट एंड कॉन्स्टेंट दिख रही है यहाँ पे आपको बाई डिफॉल्ट है दोनों में, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ ऑप्शन नॉन करोगे, यहाँ पे भी अगर नॉन करोगे तो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। ये एक्चुअली स्टार्ट एंड कॉन्स्टेंट है, ये कंट्रोल करने के लिए आपको है। ये डायरेक्शन वर्टेक्स दे रखी है और उसके बाद से आपको नॉर्मल प्रोफाइल करोगे, नॉर्मल प्रोफाइल हो जाएगी यहाँ से, नॉर्मल प्रोफाइल। इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो आप, ठीक है। फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम इसको भी नॉर्मल कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग जैसा है आप हमें अच्छा लगे वैसा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे ऑप्शन आती है आपको गाइड कर्व। गाइड कर्व हम थोड़ी देर में समझ लेते हैं। उसके बाद से आती है आपको सेंटर लाइन पैरामीटर्स। सेंटर लाइन पैरामीटर भी समझ लेंगे। उसके बाद से ये जितनी भी ऑप्शन आती है वो कोई खास ऑप्शन नहीं होती है, वो बाद में हम आपको बताएंगे। उसके बाद से यहाँ पे आती है थिन फीचर्स। थिन फीचर्स का यूज आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से होगी। इसमें आपको तीन ऑप्शंस मिलती है, ठीक है। वन डायरेक्शन, मिड प्लेन और टू डायरेक्शन। इसमें टू डायरेक्शन में दोगे तो दो आपको थिकनेस जो होगी वो दो डायरेक्शन में दोगे, स्केच के एक तरफ और स्केच के दूसरी तरफ, ये हो जाएगी। अगर आप मिड प्लेन देते हो तो स्केच सेंटर में आ जाएगी आपकी और जो भी डिस्टेंस आप यहाँ पे दोगे वो डिस्टेंस आपकी हाफ ऑफ हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा स्केच से, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं थीम फीचर्स को ऑफ कर देते हैं, इसका हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से आप देखिए इस तरीके से आपने लॉफ्ट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें गाइड कर्व का यूज करने के लिए हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद से अब हम इसको गाइड कर्व करने के लिए एक स्केच बनाएंगे दूसरे प्लेन पे। वो प्लेन कौन सी होगी, या तो राइट प्लेन पे बना सकते हो नहीं तो फ्रंट प्लेन पे। हम क्या करते हैं फ्रंट प्लेन पे एक स्केच बना लेते हैं। इसको गाइड कर्व करने के लिए स्प्लाइन से एक हम स्केच बना लेते हैं, नॉर्मल सी कोई सा भी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद से एग्जिट हो जाते हैं। एग्जिट होने के बाद से हमने ये बनाई थी फ्रंट पे, अब क्या करते हैं राइट पे भी एक स्केच बना लेते हैं ताकि दोनों तरफ से हम गाइड कर सके, ठीक है। देखिए गाइड करने के लिए आपको यूज करी हुई है तो ये देखिए ये जो पॉइंट है इससे टच में होनी चाहिए। अगर ये अगर दूरी रहेगा कुछ डिस्टेंस रहेगा तो आपकी वो जो है आप गाइड के लिए यूज नहीं कर पाओगे, आपको सॉलिड वर्क में एरर दिखाने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें खास करके। उसके बाद से आप आते हैं लॉफ्ट पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। उसके बाद से गाइड कर्व पे क्लिक किया। गाइड कर्व पे क्लिक करने के बाद से फर्स्ट स्केच को सिलेक्ट किया, ये देखिए इस तरीके से आपकी गाइड हो गई। दूसरी स्केच सिलेक्ट किया, इस तरीके से गाइड हो गई। और हम क्या करेंगे ओके कर देंगे, और नहीं तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको कुछ। इसको भी कंट्रोल करने के लिए आपको तीन चार ऑप्शंस है, चार ऑप्शंस है, वो आपको मिल जाते हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो कौन सा कैसा हो रहा है। शेप एंड साइज सिर्फ चेंज होगा, बाकी वही रहेगा, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से करके ओके कर दो, ये आपकी लॉक हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है सेंटर लाइन पैरामीटर्स। उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक हम दूसरे
पार्ट जनरेट कर लेते हैं। उसके बाद से आते हैं टॉप पे, एक स्केच बना लेते हैं, नॉर्मल से स्केच हम सर्कल ही बना लेते हैं। सर्कल बनाने के बाद से एग्जिट स्केच हो जाते हैं। एग्जिट स्केच होने के बाद से हम क्या करते हैं, राइट प्लेन को सिलेक्ट करके एक इस पे हम एक स्केच बना लेते हैं। इसमें जो हम गाइड एक्चुअली इसको भी हम गाइड ही करते हैं, लेकिन इसमें जो हम गाइड करते हैं वो सेंटर से हम गाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये फर्क, ये हमने स्केच बना ली। स्केच बनाने के बाद से एग्जिट स्केच हो जाएंगे। एग्जिट स्केच होने के बाद से इसको थोड़ी सी और नया लगाते हैं, ठीक है। एग्जिट स्केच हो जाते हैं। एग्जिट स्केच होने के बाद से फीचर्स में आने के बाद से रेफरेंस ज्योमेट्री, इसके बाद से प्लेन एक जनरेट कर लेते हैं। हमने पॉइंट प्लेन जनरेट कर ली और इस प्लेन पे आने के बाद से एक और हम स्केच बना रहे हैं। इस पर हम जो स्केच बनाते हैं वो हम क्या करते हैं, स्लोट टाइप्स का इधर हमने बनाया, ये हमने स्केच बनाई, इसको सिलेक्ट किया, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसको प्लेन पे सिलेक्ट करके वो इंसिडेंट कर दिया, ठीक है। ये थोड़ी लंबी हो गई, इसको पकड़ करके हम थोड़ी सी छोटी, ठीक है। अपने को हम डायमेंशन से करना चाहते हो डायमेंशन से भी कर सकते हो, ठीक है। एग्जिट स्केच किया, एग्जिट स्केच करने के बाद से इस प्लेन को हमने हाइड कर देनी है। हाइड करने के बाद से फीचर्स में आनी है। फीचर्स में आने के बाद से यहाँ पे आपको लॉक इक्वेशन बॉक्स पे क्लिक करना है और फर्स्ट इसके प्रोफाइल और सेकंड प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से ब्रेक करके नीचे में आओगे, सेंट्रल लाइन पैरामीटर्स आ रहा है, उस पर क्लिक करके सेंट्रल लाइन को सिलेक्ट कर लोगे। अभी देखिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, प्रीवियस जो है वो हमारी दिख नहीं रही है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो नीली बटन आ रही है इससे आपको कंट्रोल करके देखना पड़ेगा, वो आपकी स्केच जो है बन जाएगा, प्रीवियस आपको दिखने लगेगा। और जिस शेप का आपको चाहिए थोड़ा सा रोटेट करके माउस अपना, आप उस शेप से आप बना लीजिए, ठीक है। मेरे को ये शेप अच्छा लग रहा है और इसी वजह से उसके बाद से ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लॉफ्ट बेस एंड बोस का कंसेप्ट। तो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।